आप उसकी मदद कर सकते हैं। हकाया आया था? ये नहीं मानेंगे, ये जर्मनी जाकर ही मरेंगे। तेरा खानदान बोरीवल के बाहर नहीं निकला और लंदन में मां। इसमें आदमी के सिर पर मरने की जिद सवार रहती है। रिस्के। गुरु गुरुजी, दरअसल बात ये है, एक फिल्म का हीरो आया है एक छोटी सी समस्या लेकर। आप उसकी मदद कर सकते हैं, इसीलिए तो बाटली लेकर आया हूँ। आप उसकी समस्या सुलझा दो प्लीज। भाई चल 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 चल। सेटिंग हुई? हुई नहीं, हो जाएगी, चिंता मत करो। मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा झूठ बोल दिया है। मैंने कहा तुम फिल्में बनाते हो, उसमें तुम मेन हीरो हो। क्यों, ड्रामा में क्या प्रॉब्लम है? अरे ड्रामा टीवी सीरियल बोलेगा, कोई लड़की काम नहीं करेगी। लेकिन मुझे, अरे लड़की चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। हाँ तो चुपचाप चलो, दिमाग का बैंड मत बजाओ। लेकिन मुझे कंचा लड़की चाहिए। अच्छा ड्रामा नहीं करना है, कंचा खेलना है उसके साथ। अबे कंचा मतलब सुंदर होता है। अच्छा, चलो चलो, यानी बावला हो गया तू, लंदन में रह। आ जाओ। आ रहा हूं, आ रहा हूं। गुरुजी कौन है? ये मिस्टर बंटी है। पैर छुओ। मेरी बहन। तुम इस आदमी को जानते हो? इनका नाम है बंटी। बंटी? अरे इनकी पिक्चर के बारे में तो सुना होगा ना, ये अपने खुद की फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं और उसके मेन हीरो भी। तो मेन हीरो बोला गुरुजी, वो मैं नहीं हूँ, वो ये हैं। इनके बारे में बात की थी ना मैंने आपसे। तो फिर तू कौन है? मैं गुल्लू, टैक्सी ड्राइवर। मतलब तुम गुल्लू और ये टैक्सी ड्राइवर? नहीं, 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 वो दोनों मैं ही हूँ। तो फिर ये कौन है? ये बंटी है। ये फिल्मों में क्या कर रहा है? ए, तुम दोनों मेरे को पागल मत बना, बहुत हो गया अब तुम लोगों का। इसको पूछ मेरे को जिस जिस काम के लिए आओ, मेरे को चाहिए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करे। इसको पूछ लड़की कहाँ मिलेगी मेरे को। औरतें चाहिए? औरतें नहीं, एक लड़की चाहिए फिल्म में काम करने के लिए, वो भी हिंदुस्तानी मटेरियल होनी चाहिए। मिल जाएगी? और गुरुजी वो लड़की, वो जल्दी से करवा दीजिए। वो तो मैं भूल ही गया था, आज से 200 साल पहले 200 साल पहले दो साल ग्रुप में एक लड़की थी, वो तुमको मिल सकती है। क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? नाम बता। पद्मिनी, शंखनी, मोहिनी। रामायण के नाम नहीं, आज के नाम बता। जूली, सीमा, रीमा। हाका। हाका। ये कैसी डायन का नाम है? हाका डायन का नाम नहीं है, ये मेरे आदमी का नाम है। अब भाई इन्हें आदमी नहीं, इन्हें एक लड़की चाहिए। यहाँ का है ना, ये मेरा आदमी है, इसके पास जाएंगे, ये बताएगा वो लड़की कहाँ रहती है। तो अब चले कहाँ भाई साहब? हाका के पास, हाका को ढूंढने। मैं भूल गया था, एक मिनट। ए तू मुझे कल बोलता ना, मैं हाका से मिलकर कल ही तुमको हीरोइन से मिला देता था। अरे तुमको मेरी पहुंच नहीं मालूम है, मैं हर हीरोइन को जानता हूँ। और तुमको पता है मेरी माँ इंग्लिश थी और मेरा बाप पंजाबी, और मैं उनका रिजल्ट हूँ। इतनी जल्दी पहुंच गए? हाका बाहर आओ, आप अंदर चलिए, अभी गाड़ी चली भी नहीं, आप चलिए अंदर, चलिए चलिए। कहीं ये पागल तो नहीं है? मेरे सारे पैसे बर्बाद तो नहीं करोगे तुम? नहीं नहीं, उतर जाएगी, चिंता मत करो ना, सब ठीक हो जाएगा। बैठो बैठो बैठो। पहुंच गए? अरे अभी तक नहीं पहुंचे, बार बार निकल भी जाते हैं। चलिए बैठिए बैठिए अंदर, चुप। ए बॉयज, हाका यहाँ आया था? कुछ लोग आए थे कर्जा वसूल करने, तब से गायब है, घर पे होगा। लेकिन बात क्या है गुरुजी? ये जो भाई साहब है ना, उनको फिल्मों में लेना चाहते हैं। अरे किसी को हाका का घर मालूम है क्या? बेवड़ा। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। लेकिन ये सब क्यों आ रहे हैं यार, तुम लोग क्यों घुस रहे हो? चलो घुसो घुसो। अरे एक दो चैनल लो, सबके सब क्यों आ रहे हैं यार? हैंग ऑन, हटा काम, पीस ऑफ माय अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। है। अगर रोल चाहिए तो तुम्हें उस लड़की को हीरोइन बनाना पड़ेगा जो तुम्हारे ग्रुप में काम करती थी। क्या नाम है उसका? नाम वो उसका नाम से क्या करना तुझे? हाँ? साले शादी करी उसके बाद। भाई साहब नाम छोड़िए, आप बताइए कहाँ रहती है वो?
वो जानने के लिए जल्दी बताइए घर जाना पड़ेगा ना। हाँ तो चलो 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 कैसे कैसे ये लाल डब्बा में क्यों ना ओ यस चलो चलो मेरी टैक्सी जर्मनी जर्मनी में कहा अरे वो तू भूल जाना वहाँ जाके देख लेंगे ना ढूंढेंगे ना चलो 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 कहाँ जा रहा है तू जर्मनी खाली 7 घंटे का तो रास्ता है 7 घंटे का रास्ता ये पेट्रोल के तरह भाप रहेगा ये सब बारह को लेके जाएंगे हम लोग अरे तो लड़की क्या हमें चाहिए मुझे नहीं चाहिए लड़की इन हराम घरों को बोल मारने के मुझे नहीं चाहिए ये नहीं मानेंगे ये जर्मनी जाकर ही मरेंगे सुन ले जर्मनी 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 चलो जल्दी चलो जर्मनी जर्मनी गाड़ी बंद हो गई स्टार्ट नहीं हो रही तो क्या करें हाँ तो उतरो ना अभी सब लोग उतरो अरे लेकिन आप जर्मनी जा रहे हैं हाँ तो धक्का मारोगे तो जर्मनी जाएंगे ना चलो 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 जल्दी चलो जाओ जल्दी जल्दी हाँ भाई खड़े मत रहे भाई चलाओ जल्दी आराम से आराम से आराम से प्लीज स्लो 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 ओके नाउ यू कैन गो चलो चलो भाई धक्का मारो धक्का मारो हाँ भाई जोर से बोलो मेरे को धक्का मारो गाड़ी को धक्का मारो कैसा आदमी है यार अबे परेशान हो गया मैं कसम से मन कर तक खून कर दूं उसका खून कर दूं मैं और तेरे को मैंने मना किया था इसको मैंने मना किया था अबे ये कहां से आया रोको रोको अरे उनको भी साथ ले लो अरे उनको भी जर्मनी देखने दो अबे क्या टूरिस्ट बस आई है टूर करने निकले हम लोग वर्ल्ड टूर हाँ साले क्या जर्मनी फ्रांस तुम लोग घुमाऊ अबे गाड़ी रोक उनके बिना मैं नहीं जाऊंगा मैं तो चाहता हूँ तू नहीं आए अबे गाड़ी रोक उतार इसको मैं नहीं उतरूंगा मुझे जर्मनी जाना है क्यों तेरे पिताजी की कब्र है वहाँ पे साले टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं अबे ये सफेद खरोच कौन है कोई भूत तो नहीं है अबे नहीं भूत के पाँव टेढ़े होते हैं इसके पाँव सीधे तो बिंदास बिंदास भागा भागा वो अपने आप निकल जाएगी तो साड़ी वाली औरत हो मरने निकली है क्या मैं मरना चाहती हूँ तो मेरी गाड़ी मिली थी मरने के लिए इस रोड पे और भी तो कितनी सारी गाड़ी है वहां जाके मरो ना पता नहीं सुबह सुबह जब भी चंपक सेठ का चेहरा दिखता ना सारा दिन खराब हो जाता है उल्टे सीधे लोग ही मिलते रहते वो देखो एक एयर कंडीशन गाड़ी आ रही है वहां जाके मरो जाओ 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 भागो भागो ऐसे भागो चल बे ए, ये क्या कहती है वो तो सचमुच जा रही है हाँ तो जाने देना मरने दे उसको अरे ये मरेगी तो हम लोग जिम्मेदार होंगे ना वो कैसे बे अरे यार तुम्हारी ये हादसा होते हुए कौन देख रहा है हम दोनों तो कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन लगाएगा अब ड्राइविंग लाइसेंस जाएगा मेरा जाओ रोको उसे जाओ मैं लंदन क्यों आया वो विधवा औरत हो खुदकुशी करने के लिए इंडिया से यहाँ तक आए हो तुम आधी रात को पत्नी से झगड़ा करने के लिए यही जगह मिली थी क्या अरे घर में जाकर झगड़ा करो कोई पब्लिक प्लेस में नहीं तेरे को इससे क्या मतलब है तू निकल यहाँ से चल गाड़ी निकल यहाँ से हट 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 छोड़ो क्यों मरने के लिए लेकिन हमारे सामने नहीं मरना हम लोग कोर्ट कचहरी नहीं जाने का तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले मैं तुम्हारा भाई हूँ हे भगवान मार दिया बेचारी को चल बे गुल्लू टैक्सी निकल अरे तुम आदमी हो कि पैजामा इसे इस हालत में छोड़ कैसे जा सकते हैं तो मैं क्या करूं जरा सोचो अगर इसे कुछ हो गया तो इसके मर्डर के केस में तुम्हें हो जाएगी फांसी और मुझे हो जाएगी सजा तो मैंने थोड़ी मर्डर किया इसका पागल है क्या अरे तुझे और इसे झगड़ा करते हुए किसने देखा है, है? वो गाड़ी वाले ने वो जाके कोर्ट में बोल देगा तो फिर तो क्या करें बताना बोने अरे एक मिनट यार भाई कोई देख लेगा बताना ए, ये तेरे को चलेगी क्या अबे तू पागल तो नहीं है मैं अपने प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ तू लड़कियां सप्लाई करने की बात कर रहा है मेरे साथ भाई वो बात नहीं कर रहा हूँ तुझे नाटक में हीरोइन की जरूरत है ना ये ठीक है क्या ये आत्महत्या की दुकान हाँ, हाँ। अबे पागल है
अगर चालू शो में आत्महत्या कर बैठी तो लोग सीटी जला देंगे, मेरे कपड़े फाड़ देंगे और सीटी तो वैसे ही आत्महत्या कर लेंगे, मुझे नहीं चाहिए। देख, वैसे तेरे पास कोई चॉइस नहीं है, सोच ले। तुझे हीरोइन की जरूरत है और ये आत्महत्या करने जा रही है। आदमी आत्महत्या क्यों करता है? बोल बोल, सोच सोच, बता बता बता। क्योंकि टेंशन या कोई प्रॉब्लम होती है उनको। हाँ, तो इसको पैसे वैसे की प्रॉब्लम होगी तभी तो आत्महत्या करने जा रही है बेचारी। और तू इसको हीरोइन ले लेगा तो इसकी पैसे की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और तेरी हीरोइन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये भी खुश, तू भी खुश, अपन तो वैसे खुश। ये सोच भाई भाई भाई, डिसीजन ले, डिसीजन ले। अपने को लगता है ऊपर वाले ने सही मौके से इसको भेजा है। अगर इसने मना कर दिया तो? हाँ, तो जाए तेल लेने, इसे ही छोड़ देंगे, हमसे क्या लेना देना। तो हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। इसको बोलेंगे चली जाए यहाँ से। हाँ, चली जाए। पक्की बात? पक्की बात। ठीक है ठीक है, चल चल, उठा उठा। तो इसकी साड़ी पकड़, मैं इसका ब्लाउज पकड़। उठा 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 उठा। अरे भाई, बड़े खाए पिए खानदान की लगती है। तुझे कैसे पता बे? अरे भाई, वजन देख के नहीं लगता है। इसके हिसाब से तेरे घर में सब भूखे नंगे होंगे। वाकई में कितना वजन है इसका? अबे क्या पड़ोसियों के बच्चे खाती है ये? अबे मेरे हाथ पे बिठा दिया। अरे ये क्या, अब क्या हुआ? अरे वो कहाँ गया, वो बेवड़ा? कहाँ गया वो बेवड़ा? अरे इस उथल पुथल में कहीं इधर उधर चला तो नहीं गया? चल मरने दे अपने को, क्या चल चल। अरे इसकी अब नीचे क्या देखा, पहिए क्या, कीड़ा है क्या वो? चल आइए आइए, प्लीज प्लीज कम। सेठी सेठी सेठी, वो बंटी मर गया क्या? नहीं, हीरोइन लेकर आया है। चलिए हटिए हटिए हटिए, साइड में हटिए, मैडम को आने दीजिए। आइए मैडम, आइए, चलिए। टेक इट इजी, साइलेंस। हीरो, ये बैग मुझे दे दीजिए। आइए आइए आइए, यहाँ वहाँ मत देखिए, आइए 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 आइए। ये मेरा रूम है, अब ये आपका रूम है। और आप? मैं तहखाने में रहूंगा। Are you sure? Yeah, yeah, sure, 100%. और मैं खुद ही मिल लेता हूँ। ये लेडीज बाथरूम है, इसे आप इस्तेमाल करिए। और ये जो है, आप एक काम करिए, मैंने आपको आपका रूम बताया ना, आप जाके आराम करिए। ओके, किसी भी चीज की जरूरत है, किसी भी चीज, हटिए हटिए, मुझे याद करना, ठीक है? मुझे बुलाना। ओके ओके ओके, थैंक यू। क्या बात है, अरे हीरोइन है हमारी। ए फैले ले टाटा, इस लड़की को हम लोग से भी तो मिला, अपनी असलियत और हमारी असलियत भी तो बताओ उसको। जितना बताना था बता चुका हूँ उन लोगों को तुम्हारे बारे में, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना मुझसे। पड़े आए, मुंह उठा के चल पड़े। हाथ ला, मान गया, ये लड़की चलेगी हीरोइन के लिए, चलेगी। लेकिन एक बात बताया, तू ये लड़की को कहां से उठा के लाया? उठा के, उठा के नहीं लाया, मेरे मामा की खास दोस्त की बेटी। हाय रूपा, ना लिया? रूपा, तेरा मामा यहाँ लंदन में? क्यों, कमाल है, तेरा खानदान बोरीवली के बाहर निकला और लंदन में मामा? चलना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर वो मेरी हीरोइन है तो। आपको कोई दिक्कत है? क्या 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 बोला? दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है। सेठ जी, मेरे मामा के खास दोस्त ने ये कहा है कि मुंडी उसी प्ले में काम करेगी जिसमें मैं हीरो हूँ, और साथ में ये भी कहा है कि वो खाएगी पिएगी मैं जो खिलाऊंगा उसको, उसका ध्यान मैं रखूंगा, और साथ में ये भी कहा है कि वो किस चीज से बात नहीं करेगी। सेठ जी, आप ये होने नहीं देना, ये आप होने नहीं देना, ये एक हीरो से हीरो का काम छीनना चाहता है सेठ जी, ये इसकी साजिश है। मेरी साजिश है, मैं साजिश कर रहा हूँ सेठ जी। सेठ जी, मैं लोगों के रोल काटता हूँ, इसका भी काट दूंगा। सेठ जी, कभी आपने सुना कि एक विलन हीरो के लिए हीरोइन लेके आता है? कभी आपने सुना? अरे विलन वो होता है जो हीरो के ताबे से हीरोइन को उड़ा ले जाए। बस तो हो गया फैसला, बस हो गया फैसला, आज से तू विलन, मैं हीरो, खत्म खत्म खत्म। अबे ओए गुप्त ज्ञान, तू फैसला करने वाला होता कौन है? अरे क्या कर रहे हो यार? सेठ जी, आप फैसला करिए, आप फैसला करिए, हीरोइन ढूंढने जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, क्या बोला भाई? मैं बोलता हूँ कि तेरे को विलन बनने में जाता क्या है यार, दो फाइट से ना इसको लात भी मारने को मिलेगा, बन जाना। मगर इससे पहले जितनी बार भी नाटक हुआ है मैं हीरो रहा हूँ ना, तो इतनी बार हीरो बन चुका है ना। अरे लेकिन ये मुंडू हीरो लगता है क्या? अभी अक्ल छक्कल की बात मत करो, वरना मुझे कोई तीसरा ही लड़का ढूंढ के लाना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था भाई, अरे मैं सुन चुका हूँ यार, मैंने पहले ही कहा था कि जो लड़की लेके आएगा वो हीरो बनेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बस बोल, अभी तो विलन बनेगा कि नहीं? टाइम वेस्ट मत कर, तू विलन बन। क्या हुआ नाखून को? चलो भाई, लोंडे ने फैसला कर लिया, चलो भाई, चलो चलो अपने अपने घर, चलो 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 चल भाई, वो बाथरूम में जाके ब्रश कर, चल 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 भाई। ओके, बाय 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 बाय। नाटक में तो नहीं, लेकिन इसकी असली जिंदगी में मैं विलन बनूंगा। क्या देख रही हो?
कितना सुंदर है ना। क्या ये दो हंसों का जोड़ा? नहीं, पानी कितना गहरा होगा? मैंने उतर के नापा थोड़ी है, अंदर कूदूंगा तो पता चलेगा। मैं कूद कर देखूं? क्या आपने कहा था कि गहरा है, मैं कूद कर देखती हूँ। गहरे ठंडे पानी में कूद जाऊंगी तो गर्म सांस धीरे धीरे ठंडे पानी में पिघलने लगेगी, फिर कुछ देर बाद शरीर अपने आप तैरने लगेगा और लहरों के सहारे वो बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। चल अंदर जा, अंदर जा। चला बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। सांड घुस तो नहीं गया गाय के तबेले में? देखो जरा क्या कार्यक्रम चल रहा है। ये सब करने के लिए तुम्हें इतनी रात को यहाँ आने की क्या जरूरत है? ये लोग बहुत अच्छे हैं, तुम्हें यहाँ संभाल कर रहना होगा। शुशु किया? अबे शुशु किया? क्या कर रहा है? अबे तू इधर है? तो और किधर रहूंगा? नहीं अंदर कोई और शुशु कर। मैं रूम में छापता हूँ। अबे मैं रूम में छापता हूँ। अबे रूम में साठ पागल हो गए। अबे तेरी क्या? क्या किसे बहुत देख चुकी है? सच्ची याद भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, याद भी नहीं चाहिए मुझे। बहुत गंदे घर में साथ के जादू क्या कर रहा था? मुन्नी को देख रहा था छक के, सोई मुन्नी को छेड़ रहा था। बाबला तुम छोड़ो छोड़ो यार। सच्ची झूठ बोला ये, झूठ बोला ये, बकवास कर रहा है। अरे मैं तो इसी को ढूंढ रहा था। मेरे को ढूंढ रहा था? उसके रूम में क्यों ढूंढ रहा था? अरे मुझे ढूंढ रहा था, संडास में ढूंढता। तू संडास में सोता है? सर जी संडास में नहीं सो रहा था। ये इसको पूछो, ये मुन्नी के रूम में झांक के देख रहा था कि नहीं, पूछो इसको। तू मुन्नी के रूम में झांक रहा था बाबला? अब क्या फफला गया, अभी फफला गया। क्यों झांक रहा था? मैं इसलिए झांक रहा था कि मैं देखना चाह रहा था कि अंदर कौन है। अंदर कौन होगा सर जी, अंदर कौन होगा? अंदर तो बेचारी मुन्नी थी, सो रही थी, खराटे मारी थी। बेचारी मुन्नी संडास से देख रहा था तो बेचारी मुन्नी को? छोड़ो ना यार, बोले दो। सुनने अंदर से आवाज आ रही थी, एक मौत की आवाज आ रही थी। मैंने अपने कानों से देखा। हे राम, कान फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता? सेठ जी, सेठ जी कितना गंदा आदमी है, अपना नाम बचाने के लिए मुन्नी का नाम खराब कर रहा है। सेठ जी पूछो इसको, कितना झूठ बोलता है। तू राम के भगत, एक मिनट ठहर। सेठ जी सब लफड़ा खत्म करो, दरवाजा खोल के देखो इसका, लड़की का भाग रही है ये। नहीं नहीं मैं देखता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी आप नहीं देखोगे, पता नहीं उसने कपड़े पहने कि नहीं। सेठ जी उसने पत्नी वाली देखी। मैं देखता हूँ, मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैं देखूंगा। मुन्नी 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 दरवाजा खोलो बेटे, मैं सेठ जी हूँ, डरना मत। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मुन्नी मुन्नी अंदर कोई है? कोई नहीं है सेठ जी। ओके ठीक है, तुम सो जाओ, ठीक है, गुड नाइट। ऐसे कैसे गुड नाइट? एक मिनट ठहरिए, अंदर देखा किसी ने? मुन्नी किसी बात कर रही थी? किसी से भी नहीं बाबला। देख मैंने देखो किसी से बात करते हुए सुना है। ओ वो तो मैं अपने डायलॉग्स रिहर्स कर रही थी। आप लोगों ने तो कहा था कि आपको सुबह तक रेडी चाहिए। क्या हुआ? बाबला शर्म नहीं आती तुझे? जा जाकर लड़की से माफी मांग। अबे माफी मांग इतना याद रखना, अगर तू लड़की को इज्जत देगा तो लड़की तुझे अपनी इज्जत देगी। सॉरी सॉरी गलती हो गई, गलती हो गई। सर जी इसको सजा दो, इसको सजा दो सर जी, नहीं तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। सजा कैसे? सजा क्यों? भूल गया जब मैंने अंजलि को गलती से छेड़ दिया था तो आप लोगों ने मुझे धोबी बनाया था, भूल गया सर जी? याद दिला उसको, अगर ये इसको सजा नहीं मिलेगी नहीं तो मैं नहीं तो क्या
नहीं तो मैं मुन्नी को उसके घर तक छोड़ के आऊंगा, समझे? नहीं नहीं, हाँ हाँ ये ठीक कह रहे हैं, इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए, कानून सबके लिए एक ही होना चाहिए। और क्या मुसीबत, तू कल से रसोई घर में सबके लिए खाना पकाएगा, तू खुश? हाँ अभी के लिए ठीक है, लेकिन आगे की सजा मैं बाद में सुनाऊंगा, सब लोग अपने अपने रूम में जाके सो जाओ। सुनो सुनो सुनो, कोई भी उस रूम के नजदीक नहीं जाएगा, समझे ना, कोई भी नहीं जाएगा। तू एक काम कर, तू रात को चौकीदार बन के वहाँ बाहर खड़ा रहे, चमगादड़ साले, अंदर रात भर जागते रहते हो, जीना हराम कर दिया है। क्या देख रही हो? चलती हुई आग कितनी खूबसूरत लगती है ना। अच्छा समा जाओ उसमें, खा लो उसे, आग अच्छी लग रही है, एक्स्ट्रा जवान हो। मुझे अच्छा लगेगा अगर ये आग मुझे खा जाए, फिर मुन्नी भी नहीं रहेगी और मुसीबतें भी नहीं रहेंगी, राख बन के उड़ जाऊंगी खुले आसमान में, आजाद पंछी की तरह। चाय बनाओ, सीधे सीधे दोबारा जाओ। डरा रही है साली। बंटी बेटे चाय पी ली, अब शुरू करूं मैं? अभी गन की रिहर्सल करेंगे, ठीक है? चलो भाई। हाँ सेठ जी, तंबोरा बजाइए। क्या हुआ सेठ जी? रेडी रेडी, इधर ध्यान दो। हाँ सेठ जी, गला फाड़िए। वो देखो क्या हुआ, ऐसा नाक चपटा करके क्यों खड़ा है, अंदर आना। Shut up, you rat! Guru, toh toh saare ki jaan! Come on, tigers! Come on, Tigu kaange! Sethji, wahan dekho! Sethji, wahan dekho! Chal saare, mere jaan todi, gutter mein fenka! Let's go! Let's go! What else can I do? Hello! आपने ऐसे किसी को भागते हुए देखा भाई? जिसने तुम्हारे गुरु की टांग तोड़ी वही ना? हाँ हाँ वही 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 वही। वो he's gone straight। Hey guys, get him! ये खबर अखबार में भी छप गई? हाँ हाँ छप गई छप गई। गुरु, आपके लगने होने की खबर अखबार में भी छप गई? अच्छा, ये प्रेस वाले जो भी मैं करता हूँ उसको छाप देते हैं। ये मशहूर होना भी कितना बड़ा पाप है ना? ए, वो कमीना किधर गया? इधर गुरु। वो क्या इधर मुदर कर रहा, पकड़ उसको। ओ यस। तू देख इसमें क्या लिखा मेरे। तेरे को ये झटका क्यों लगा? खबर ऐसी है। ठहर, मैं पढ़ता हूँ। ये मेरा शिकार है, ये टांग हमको दे दे। टांग घर ले जाके पका के खाएगा क्या? टांग तोड़ो, उठाओ, मुझे अस्पताल ले जाओ। सॉरी, टूट गई, सॉरी सर। गुड गुड, गीत के बोल बराबर लिख लेना ताकि शो में ऊपर नीचे। लिखो लिखो यहाँ। तेरे बिन देयर एंट नो डिजायर, तेरे बिन My world's on fire. Fire, not tire. ये fire ही तो है, मैं F ऐसे ही लिखती हूँ। उल्टा। तू सीधा पढ़ ना। मेरा क्या? Okay. तेरे बिन I can't fly higher. Thanks. किस बात के लिए? वो आपने हमारे शो के लिए हेल्प किया ना? अरे that's nothing. आजकल आपने भी मुस्कुराना सीख लिया। एक्टिंग अब मैंने भी सीख ली है जीने की। अब हमेशा डिप्रेशन के बारे में क्यों बात कर? किसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होती,
अगर हर इंसान आपकी तरह सोच के खुदकुशी करेगा तो आबादी कितनी बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी? हाँ, नर्क की। हाँ, लग जाएगी आपको। बड़े पहलवान जो ठहरे। अजब मस्ती बंद। आज के बाद मरने मरने की बातें सब बंद। मरने की बात की जिंदगी किसने देखी है बंटी? अच्छा, अगर ऊपर भी टेंशन मिली तो इससे अच्छा जो कुछ करना यही कर लो। मस्ती, मौज, धमाल, जो भी है। तुम्हारे लिए ये सब बहुत आसान है। प्यार में सब कुछ आसान होता है। क्या क्या कहा तुमने? जो आपने सुना मैं कुछ समझी नहीं। मुझे जाना चाहिए। भाग रही हो? क्या भागती क्यों? हालात का सामना करो। बी ब्रेव मुन्नी, कम ऑन, फेस द प्रॉब्लम। क्या मतलब? तुम लड़कियां भी ना बड़ी चलाक होती, जानती सब हो, लेकिन हमसे सुनना चाहती। कोई बात नहीं, मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ, BM इंग्लिश हूँ और अच्छा खासा कमा लेता हूँ, प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। और मुन्नी 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 आई लव यू मुन्नी। गिर गया देखो मुन्नी, मैं मेरी बात सुनो, सच्चाई को तुम ठुकरा नहीं सकती, तुम्हें जवाब देना होगा। मैं बाद में बताऊंगी, बाद में। देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है, उस हादसे की वजह से वो बेहोश हो गई है, बाकी सब ठीक है। वैसे आप सबका उनसे रिश्ता क्या है? वो हमारे नाटक की हीरोइन है। मैंने शायद तुम्हें पहले कहीं देखा है। नहीं। हाँ, तुम वही हो ना, उस रात तुम दोनों ने झगड़ा किया और उसने मेरी कार के आगे छलांग लगा दी। हाँ, हाँ। ये किस रात को? तू तो बोल रहा था कि तेरे मामा के खास दोस्त की बेटी। उस लड़की को आत्महत्या करने की आदत है क्या? हाँ, उसने मुझे बोला था कि वो आग में कूद कर जान दे देगी। मुझे भी कहा था कि तालाब में कूद के जान दे देगी। हाँ, तेरे को बोला। और अब कार के सामने छलांग लगा दी। लगता है इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेरा अंदाजा सही निकला, वो पागल है ना? ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, ये भी एक किस्म का पागलपन ही है। इसमें आदमी के सिर पर मरने की जिद सवार रहती है और हमारी भाषा में इसे सुसाइडल टेंडेंसी कहते हैं। आई थिंक शी नीड्स अ साइकेट्रिक हेल्प। एक मिनट डॉक्टर साहब, आप इधर आइए ना, प्लीज प्लीज। एक मिनट, जरा जल्दी चलिए। देख रहे हैं सर जी, डॉक्टर को साइड में लेके जा रहा है। ये साइड में ले जा रहा है क्या मतलब? तब मैंने उससे कहा कि हमारे नाटक की हीरोइन बन जाओ, उसे चार पैसे भी मिल जाएंगे और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बस इतना ही जानता हूँ उसके बारे में और वो राजी भी हो गई करने के लिए। डॉक्टर, She's regaining consciousness. Okay, thanks. देखिए उन्हें होश आ गया। अगर आप अंदर जाकर उन्हें मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। कौन सी जगह है ये? मैं यहाँ कैसे आई? Relax, relax. ये सब लोग कौन हैं? You don't know them? You are working with them. लगता है इसको भी हमारी तरह अंग्रेजी नहीं आती। हमको नहीं पहचाना? तुम हमारे साथ काम करती हो नाटक में? आपके साथ? हाँ, मैं सेठ जी, डायरेक्टर। कौन सेठ जी? मेरा पति कहाँ है? पति? शादी कहाँ हुई तुम्हारी? अभी तक तो ट्राई कर रहे थे लोग तुम पे भांडो की तरह, और जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो मैं तुमको, हम तुमको यहाँ लेकर आए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं आपको नहीं जानती, आप प्लीज मेरे पति को बुलाइए। कौन पति? कहाँ रहता है वो? विक्रम चौहान, लिवरपूल में रहता है। उनका नंबर 07964207008। क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? आंसू नहीं होगा तो क्या नींबू पानी होगा? डॉक्टर साहब,
आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। आपने मेरी खोई हुई पत्नी मुझे लौटा दी। मुझे पता नहीं मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। देखिए, शुक्रिया अदा करना तो इन लोगों का कीजिए जिन्होंने आपकी पत्नी की जान बचाई है। मैं आप लोगों को तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो कुछ भी किया उससे मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। 2 साल पहले मेरी निशा के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद मुझे पता चला कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। एक बार उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की। फिर मैं इसे अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने कहा कि इसे सुसाइडल टेंडेंसीज हैं और इलाज के लिए उसे कुछ दिन अस्पताल में रखना पड़ेगा। फिर अचानक मुझे एक दिन डॉक्टर का फोन आया। उन्होंने कहा कि वो अस्पताल से गायब हो गई है। मैंने पुलिस कंप्लेन लिखवाई। ये रही उसकी मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस कंप्लेन। आप लोगों की वजह से मेरी पत्नी बच गई। मैं आप लोगों का बहुत एहसानमंद हूँ। आप लोगों ने मेरी पत्नी नहीं, मेरी जिंदगी मुझे लौटाई। अब आप इन्हें ले जाइए। वैसे तो ये ठीक हैं, लेकिन 1 हफ्ते के बाद इन्हें चेकअप के लिए दोबारा ले आइएगा, क्योंकि ऐसे केस में ये दोबारा भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, निशा के इलाज के लिए हम कुछ दिन लंदन में ही रुकेंगे अपने दोस्त के गेस्ट हाउस में। इसके ठीक होते ही हम वापस चले जाएंगे लिवरपूल अपने घर। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ये है मेरा कार्ड। डॉक्टरों ने कहा कि मेरी वजह से आप सबको बहुत सारी मुसीबतें उठानी पड़ी। मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ के नहीं किया, ये मेरी बीमारी की वजह से हुआ। और हो सके तो उसे भूल जाइएगा प्लीज। बोल रही हूँ, पंटी को बोलिए कि मुझे बचा ले। क्या हुआ क्या? ये आदमी मेरा पति नहीं है, बंटी ही मेरा पति है। बंटी तुम्हारा पति है? तो शादी कब हुई? अब बंटी को बुलाइए ना, प्लीज बंटी को बुलाइए। बंटी, बंटी, उसका फोन है। किसका? लगता फिर से पागलपन का दौरा पड़ा। किसका? मुन्नी को। चल चल, फोन पे रो रही है। बंटी, बंटी तुम यहाँ आकर मुझे ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मुन्नी, मुन्नी तुम क्या कह रही हो? तुम उसकी पत्नी हो मुन्नी? तुम्हारे यहाँ नहीं। देखो यहाँ पेट्रोल का डिब्बा और माचिस पड़ा हुआ है, अगर तुम नहीं आए तो मैं अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को मार दूंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। बंटी, अगर तुम आधे घंटे के अंदर नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं मर जाऊंगी। ये सब क्या है? इनका खाना। इनका खाना? अरे पहले इनका आज का गाना बजाना होने वाला है या नहीं ये तो तय हो जाने दो, बाद में खाना देना समझे, वरना जुर्माना कौन भरेगा तेरा बाप। इनका खाना है। सोइए मत, उठिए। वहां अपने हीरो ने बताई थी वो मस्त थी,
यहाँ आपने दूसरी हीरोइन बताई, वो भी मस्त थी, लेकिन वो तो हमेशा के लिए सो गई। अब जो हुआ सो हुआ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ये शो होना ही चाहिए, और अगर ये शो नहीं हुआ तो यहाँ की जेल में तुम सब लोग रोज शो करोगे। देखिए देखिए, हमने हल निकाला है, हम ये ड्रामा नहीं करते, हम दूसरा ड्रामा करेंगे जिसमें हीरोइन नहीं है। वो मैं कुछ नहीं जानता, कैसे भी करके ये शो होना ही चाहिए, समझे? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए।